वेलकम टू द टीजीएम क्लास। ये सर्किल का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे क्या है, पी है, और इस पॉइंट से जो है ना दो टेंजेंट है, पीटी एंड पीएस दो टेंजेंट है, आर ड्रॉन टू अ सर्किल सी। इसका सेंटर कौन सा है, इसका सेंटर ओ है, एंड रेडियस, इसका रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है ना। और दिया हुआ है क्या कि ओपी, ओपी जो है ना, यानी कि ये वाला जो लाइन है ना, ये ओपी जो लाइन है ये कैसा है, ये ओपी लाइन जो है ना, ये जितना रेडियस है ना उसका डबल है, यानी कि 2r ये है, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि यहां जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो बन रहा है यानी कि ओ टी एस और यहां जो एंगल बन रहा है कौन सा, OST, ये दोनों एंगल जो है ना वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। यही हमको प्रूफ करना है कि दोनों एंगल जो है ना आपस में बराबर हैं और वो 30 डिग्री का है, ठीक है। सॉल्यूशन में सिंपल सा, सबसे पहला क्या क्या चीज गिवन है, अ सर्किल विद सेंटर O गिवन है, टू टेंजेंट PT एंड PS ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P से खींचा गया है, एंड अगेन एक और चीज दिया हुआ कि ये जो OP जो है ना वो कितने के बराबर है, 2R के बराबर है, ये भी गिवेन है, ठीक है। हमको क्या करना है ना, प्रूफ क्या करना है, OTP ये वाला एंगल, OST ये वाला एंगल, दोनों एंगल कितने के बराबर है, 30 के बराबर है, ये प्रूफ करना है। अब जो है ना एक छोटा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि O इज ज्वाइंट, इसको जो है ना P से ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, ठीक है ना, O को P से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज देखो यहाँ पे, ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, PT एक टेंजेंट है एंड PS एक टेंजेंट है, और ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो रेडियस यहां से जब जाएगा ना तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। ये क्यों, ये 10.1 जो थ्योरम है ना उससे पता चलता है। 10.1 क्या कहता है, एनी टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो है ना टेंजेंट कहता है। ये थ्योरम 10.1 बताता है क्या कि यहां जो है ना ये टेंजेंट पे और रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, वो होता है 90 डिग्री का होता है, शॉर्ट नटसल में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या, हम लोग क्या करते हैं ना, यानी कि एंगल ओ टी पी ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ओ टी पी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये ओ टी पी 90 डिग्री का हो जाएगा। सिमिलरली ओ एस पी ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम लोग एक ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, इस ट्रायंगल का ओ टी पी एक ट्रायंगल लेते हैं, या इसको कह सकते हैं टी ओ पी कह सकते हैं, टी ओ पी एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये थीटा है। अब क्लियर है कि यहां जब 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या बनेगा, ये जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है। और ये थीटा है तो थीटा के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको साइन थीटा मान लेते हैं, इस पूरे ट्रायंगल में इसको भूल जाते हैं, इस ट्रायंगल को में हम लोग कंसीडर करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो साइन थीटा कितने के बराबर, पी बाई एच के बराबर होता है। पी कितने के बराबर हो जाएगा, ओ टी बराबर हो गया, ओ टी, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ओपी, ओपी। अब साइन 30 डिग्री, यहां देखो साइन थीटा ओटी बटा ओपी, ओटी का वैल्यू क्या है, ओटी का वैल्यू जो है ना यहाँ पे ओटी का वैल्यू कितना है, आर के है, और ओ आर का वैल्यू 2R, ये दिया हुआ है, गिवन है, यहां से पहले से गिवन है। तो हम लोग इसको वैल्यू को ना पुट कर देते आर बाई 2R, ठीक है ना। और इस तरह से देखते हैं तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा का कौन सा वैल्यू 1/2 के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री का बराबर होता है। तो यहाँ साइन 30 डिग्री ये लिख दी और इसके जगह पे साइन 30 डिग्री लिख दी, क्यों, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है ना 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ साइन 30 डिग्री और यहाँ साइन 30 डिग्री ये निकल गया, कट गया, यानी मेरा थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा का वैल्यू
30 डिग्री आ गया, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं ना, दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। ये पता चल चुका कि मेरा ये वाला थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल मतलब कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल टी ओ पी, एंगल एस ओ पी, ठीक है ना, कौन कौन सा ट्रायंगल, ओ टी पी, एंगल ओ टी पी, सॉरी ट्रायंगल ओ टी पी एंड ट्रायंगल ओ एस पी, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। और अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं ना, तो यहां हमको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में यहां पे 90 डिग्री है और यहां पे 90 डिग्री है, ये दोनों कॉमन है एक दूसरे में, दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये लाइन कॉमन है। फिर रेडियाई जो है ना, ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल है, ठीक है, तो इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको डाल दिए यहाँ पे, ओ टी पी और ओ एस पी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इच, दोनों 90 डिग्री है। ओ टी और ओ एस क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, एंड ओ पी और ओ पी क्या हो जाएगा, कॉमन है दोनों में, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओ टी पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई आर एच एस रूल से, ठीक है ना। आर एच एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ना कि अब देखो ये मेरा, ठीक है, अब ये हो गया, यानी कि ये 30 डिग्री जब हम लोग बात करते हैं तो इसका ये भी, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी ये एक्स होगा तो ये भी एक्स हो गया। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इक्वेशन वन में, देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ये 30 डिग्री का है, तो यहां भी हम लोग ये भी 30 डिग्री का सिमिलरली हो जाएगा, क्लियर, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि ये पूरा एंगल मेरा कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। ये कैसे 60 डिग्री, हम लोग क्या किए ना, दोनों ट्रायंगल को क्या किए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए। जब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, फिर क्या किए, 30 डिग्री ये हो गया, दोनों 30 30, यानी कि ये वाला एंगल मेरा 60 डिग्री का हो गया, ये पूरा पी जो है ना, ये मेरा ये एंगल 60 डिग्री। अब अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट ये ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल, ये वाले क्वाड्रिलेटरल की बात करें, एक साइड ये है, दो साइड, तीन और चार, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल में यहां मुझे 90 डिग्री मिलेगा, यहां भी मुझे 90 डिग्री मिलेगा, और यहां कितना डिग्री मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है, 90 डिग्री 60 डिग्री, फिर यहां पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो इन चारों एंगल का सम जो है ना वो 360 के बराबर होता है, हम लोग को पता है क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो तीन का तो एंगल पता मुझे, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 का हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे कर दिया गया, एंगल टी, एंगल ओ और एंगल एस और एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ना, इन सब को जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। तो एंगल ओ, ये एंगल ओ अब कितने का हो जाएगा, एंगल ओ कितने का हो जाएगा, तो एंगल ओ हो जाएगा 360 माइनस 120 का हो गया, क्लियर। नेक्स्ट, अब जो है ना हम लोग क्या करते हैं ना, अब कौन सा ट्रायंगल देखते हैं, हम एक ट्रायंगल को उठाते हैं, ओ टी एस, ओ टी एस, ये वाले ट्रायंगल को, छोटा जो ट्रायंगल अंदर बना ना, इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो ये वाला एंगल मेरा कितने का हो गया, 120 का हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि एंगल, ये वाले एंगल का, ये वाला एंगल कितने का बराबर हो गया, ये वाला जो है ना 120 के बराबर हो गया, ये एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 180 में से 120 में से 180 में से 120 घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम कितने के बराबर होगा, तो दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल का सम हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो एक चीज क्लियर है, यहाँ पे देखो ये साइड, ये ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, तो ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में बराबर है, ये साइड और ये साइड क्या है, आपस में बराबर है। अगर दोनों साइड आपस में बराबर है तो अपने अपोजिट डायरेक्शन में कैसा एंगल बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे।
अपोजिट एंगल इक्वल एंगल कास्ट सॉरी इक्वल साइड जो है ना वो इक्वल एंगल बनाता है। ये क्लियर, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x है। अब ये अंदर वाले तीनों एंगल का सम कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसीलिए इन ट्राइंगल एंगल ओ टी एस कितने के बराबर, 180 ये वाले ट्राइंगल में। अब फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग तो हमारा वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ये 60। और ये दोनों एंगल अब जो है ना, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो चुका है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो चुका है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है ना 60 में से ये भी x तो ये भी x, यानी 2x। क्या मतलब, मतलब ये हो गया क्या, एंगल 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 ये वाले ट्राइंगल में। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 180 माइनस 120, 2x इज इक्वल टू 60, इसीलिए x कितने के बराबर हो जाएगा, 60 बटा 2 यानी कि 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 डिग्री, और वैसे ये एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री। हेंस प्रूफ।